वनस्पतय शांतिः विश्वे देवाः शांतिः कामशांतिः क्रोधशांतिः ब्रह्मशांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः सामशांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नोमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। महामंत्री को सभी जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्र होने के अधिकार से कहता हूँ तुम धनन से नहीं लड़ोगे। मिलिंद और कहो तुम्हारे घर महाराज धनन का सेवक कौन मिलिंद आया है। क्या प्राप्त था महामंत्री शक्तार उनकी संतानों का उन्हें कारावास में झोंक दिया गया। वचन दे माँ, यदि पिता जीवित भी हो तो तू उनके प्राणों की भीख धननन से अथवा किसी भी मागस से नहीं मांगेगी। वचन देती हूँ चाणक्य। Oh, my God.
यदग्नेयासीदूद्यम् देवैरासच्छिवर्हिषि युदावनदेव प्रतिस्मरिषतोदः अग्ने त्वं रक्षस्विनाः अग्निनाग्निस्समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाजुह्वास्यः चाणक्य का पुत्र है वह। एक राजद्रोही के पुत्र को भिक्षा दे राजकोप की भागी बनना चाहती हो? जा भीतर। राजद्रोही के पुत्र को भिक्षा देगी? जो संबंध अन्न का भूख से है वही दाता का भिक्षुक से है, इसमें क्या बुराई है? मुझे पाठ पढ़ाती है। भिक्षां मे देहि।
मुझसे अधिक तुम्हारी माता को इसकी आवश्यकता है विष्णु। इस समय वो अकेली है, निसहाय है। चले जाओ और अपनी माता की सेवा करो, उनकी देखभाल करो। क्या मगध एक शिक्षक की पत्नी को मुट्ठी भर अन्न, थोड़ी सी जीने की आशा और थोड़ी सी सुरक्षा भी नहीं दे सकेगा? एक राजद्रोही की पत्नी को कौन सुरक्षा देना चाहेगा? मेरा पिता राजद्रोही नहीं है आचार्य। पाटलिपुत्र के नागरिकों का मुंह मैं तो नहीं बंद कर सकता। मैं आपके कहने का मर्म नहीं समझ रहा हूँ आचार्य। तुम अब अपने घर चले जाओ विष्णु। तुम्हारे यहाँ रहने से दूसरे विद्यार्थियों को आपत्ति हो सकती है। माँ कैसी? मर रही। आचार्य मैं क्या करूं? वही जो तुझे करना है। आचार्य बोल, मन के द्वार खोल विष्णु। मुझे मेरे आचार्य ने मना कर दिया है। प्रकृति आज तुझे पाठ पढ़ा रही है बेटे, एक दिन पूरे मगध को तुझे पाठ पढ़ाना है विष्णु। शास्त्र तो मैं तुझे पाटलिपुत्र के राजमार्गों पर बैठकर ही पढ़ा सकता हूँ, पर ये तो कुछ और चाहती है। उठ, जिन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना होता है उन्हें अपना मार्ग भी स्वयं ढूंढना होता है। आचार्य पर मैं अकेला पड़ गया हूं। तू अकेला नहीं है विष्णु, तेरे पूर्वजों का पुण्य तेरे साथ है। आज तू मगध का पतन देख रहा है, पर इसके उत्थान का इतिहास तुझसे ही लिखा जाएगा। मगध को एक दिन तू ही बचाएगा। अभी तो बहुत कुछ सहना है तुझे, बहुत दूर जाना है तुझे। चल भाग यहां से, चल भाग यहां से। बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है तू उसकी, पर संभालना भी तू ही।
बच्चों सब बड़े जा चुके हैं, तुम भी अब घर जाओ। चल घर चल। घर? जाओ तुम लोग। पर तू अकेला यहां? अब मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई रुला नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता, कोई कुछ छीन नहीं सकता। तुम क्यों मेरी नाहक चिंता करते हो? जाओ तुम लोग, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विष्णु जाओ, कहो ना। विष्णु, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे अनेकों को जीवन देना है। अग्नि को समर्पित करने के पश्चात अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तू अपने भीतर साधना की अग्नि को जन्म देना, जलना, ज्ञान की साधना में जलना। सूरज ना सही, दीपक तो जरूर बनना। सृष्टि, मेरी एक प्रार्थना को अस्वीकार न कीजिएगा। मैं अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा में एक गाय देना चाहता हूँ, अतः आप इस भिक्षुक को एक गाय दान में देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तुम चाणक्य पुत्र हो ना? मुझे एक गाय दान में दे दीजिए, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। चल भाग यहाँ से, तुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। चलो। सुनो ब्रह्मचारी, घर के पीछे गौशाला में आकर गाय ले जाओ।
नहीं माँ, तुम्हारे स्वामी की आज्ञा नहीं है। मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सका, यही ऋण माथे पर लिए जा रहा हूं। आज्ञा दे और साथ साथ आशीर्वाद भी कि कभी यह ऋण चुकाने के योग्य बन सकूं। चुका है कार्तिके, पिछले चार दिनों से ब्राह्मण चिल्ला नहीं रहा। भूख अच्छा अच्छों को तोड़ देती है और ये तो ब्राह्मण ठहरा। पता नहीं महाराज धन नंदने से अब तक जीवित क्यों रखा। इसकी कहानी तो अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। पर ब्राह्मण है बड़ा हटी, न
महामात वक्रनाश के लाभ कहने पर भी क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। ले खा ले ब्राह्मण, और बाद में मन की भड़ास निकालने के लिए महाराज धर्मनंद को कोसना। अन्न का पात्र खाली करके जल्दी वापस कर, हमें जाना है। मर गया क्या ब्राह्मण? मेरे बाद मगध का महामात्य तुम्ही को बनना है कात्यायन, इसीलिए काशी वापस जाओ तो दंड नीति में खूब मन लगाकर पढ़ना। महामात्य बोलो। मेरा भातृष पुत्र है, बोलो। महामात्य आचार्य चणक की मृत्यु हो गई। कैसे मरने दिया तुम लोगों ने चणक को? हम लोग धोखे में रहे, 3 दिन में एक बार दिए जाने वाले अन्न का भी त्याग कर दिया था चणक ने। तुम्हारे अलावा इस बात को और कौन जानता है? मेरा साथी प्रहरी। अब महाराज धनंद के अलावा और किसी को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। आचार्य चणक की मृत्यु नहीं हुई है, वे आज रात राज्य से निर्वासित कर दिए गए हैं। मेरे कहने का अर्थ समझ गए ना? हाँ देव। अब जाओ, महाराज धनंद से मैं बात कर लूंगा। कात्यायन, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं मगध में एक ब्राह्मण चणक है और एक ब्राह्मण आप हैं, एक और शक्तार हैं और एक और पूरा मंत्री परिषद। धिक्कार है आप पर महामात्य, जो कार्य चणक ने किया था वो आपको करना चाहिए था। वह मरकर भी आपको पराजित कर गया। आचार्य चणक की मृत्यु भी आपको डराती है महामात्य। क्या आवश्यकता थी शक्तार को बंदी बनाने की? मैं विवश था कात्यायन, शक्तार मुझे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। और इसीलिए आपने मगध को अपनी दासी समझ लिया? क्या आप कह सकते हैं कि शक्तार गलत था? अब क्या हो सकता है कात्यायन? आप शक्तार को मुक्त करें न करें, पर एक दिन मगधों के मन में पल रहा आक्रोश आप जैसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मुक्त है क्या ये सच? हाँ आर्य। और मेरे पुत्र? उन्हें मुक्त किया जा चुका है। मेरे रथ को उपयोग कर सकते हैं।
चट्टान, मेरी बात तो निकल जाओ यहां से। भविष्य में मेरे घर में पांव भी रखा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सहायता और सहानुभूति के अभाव में भी शक्तार जीवित रहेगा। पावर मिलेंस, शक्तार मेरी बात तो सुनो। आज के बाद भविष्य में किसी ने भी इसे इस घर में प्रवेश दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शक्तार मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो। मैं आज भी तुम्हारा मित्र हूं। मैं महाराज की आज्ञा को कैसे टालता, पर फिर भी उस दिन मैंने सिपाहियों को अपने साथ हथियार लाने से रोका था। चाहो तो मेरी हत्या कर दो, पर अपने घर के द्वार मेरे लिए बंद मत करो। भामिनी, भामिनी, तुम जानती हो मैं सदा तुम्हारे परिवार के साथ रहा हूं। तुम तो शक्तार को समझा सकती हो। श्रीयक, स्थूलभद्र, सुवासिनी, अरे कोई तो मेरी बात सुनो। आर्य वक्राना साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देरी से आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सम्राट की ओर से मैं संदेश लाया हूं। आप जा सकते हैं वकनास। तो मैं सम्राट को क्या उत्तर दूं? सम्राट से कहना कि शक्तार कोई कुत्ता नहीं है जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे चाटता रहे। भावुक मत बनिए आर्य, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। महामंत्री पद पुनः स्वीकार कर लीजिए। आपकी पीड़ाओं का सम्राट कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। क्या मूल्य दे सकते हैं सम्राट? आप मांग कर तो देखिए। आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं? सम्राट की ओर से मैं वचन दे सकता हूं। आप मांगिए तो। मेरा अंगद, मेरा शिशुपाल मुझे लौटा दो। मेरा चाणक, मेरा विष्णु, आचार्य चाणक की पत्नी मेरी भगिनी, उन्हें लौटा दो। जिन निरीह निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहा है उन्हें लौटा दो, तो महामंत्री पद में पुनः स्वीकार कर लूंगा। आप पुनः विचार कर लीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। आर्य वकनास, यह मेरा अंतिम निर्णय है। तो सम्राट का निर्णय भी सुन लीजिए। सम्राट की आज्ञा के बिना आप पाटलिपुत्र का त्याग नहीं करेंगे। वकनास, सम्राट तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि शक्तार में जीने की इच्छा अब और प्रबल हो गई है। वो जिएगा, पाटलिपुत्र का त्याग तो अब शक्तार का शव ही करेगा। सभा चमा समितिश्चावकाम
प्रजापतैर्दुहितरौ संविदाने येना संगच्छा उपमास शिक्षाचारु वदानि पितरः संगतेषु विद्मते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि येते के च सभा सदस्ते मे सन्तु सवाचसः एषामहं समासीननाम वर्चो विज्ञानमाददे अस्यः सर्वस्यः संसदो भामिन्द्र भगिनं कृणु यद्वो मनः परागतम् यद्वद्धमिह मेहवा तद्व आवर्तयामसि मयि वो रमतां मनः एषामहं समासीननाम वर्चो विज्ञानमाददे